मामले में पूरा संवेदनशील है और निश्चित रूप से जो जो इस टीम में जो इस तरह की जो कोई भी काम कर रहे हैं, इस तरह का जो गलत काम कर रहे हैं, उसको प्रशासन छोड़ेगी नहीं। पूरे प्रशासन और सरकार इसके प्रति गंभीर है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को लेकर के हर रोज कुछ न कुछ इस नियम में परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा साइकिल जो है रवाना किया गया। आज पटना के कारगिल चौक से ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट यानी कल्याणपुर तक ये जाएगी। लगभग दर्जनों साइकिल जो है आज से रवाना किया गया है और हरी झंडे दिखा करके उमेश कुशवाहा जो है इस साइकिल को रवाना किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच जा करके लोगों को जागरूक करना है कि शराब जो है हमारे सेहत के लिए कितना खतरनाक है और हम नशे से कैसे जो है वो बचें। आप पहले देखिए उन तस्वीरों में कि कैसे उमेश कुशवाहा रथ को रवाना कर रहे हैं और मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इसको लेकर विपक्ष लगातार कहता रहा कि जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ना कि हेलीकॉप्टर और शिक्षा का ड्रोन की। देखिए, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो समावेशिक विकास है, समावेशिक विकास के लिए जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो शराबबंदी है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ये जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, जो बिहार को पूर्णतः नशा मुक्त अभियान जो बनाना है, पूर्णतः नशा मुक्त जो है ना बनाना है, इसके लिए हम लोग साइकिल आज जो है हमारे पार्टी के सचिव, प्रदेश सचिव कमाल परवेज जी ने इस यात्रा को शुरुआत किया है और निश्चित रूप से जो इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और परिणाम आप देख ही रहे कि जो सकारात्मक परिणाम जो किस तरह से जो सामाजिक जो हमारे स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है, चाहे हमारे जो घरेलू हिंसा है, जो कला है उसमें जो सुधार हुआ है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं उसमें जो कमियां आई हैं, तो किस तरह से जो जिनकी जो आय कम आय था और जो शराब में खर्च कर दिया जाता था, जो उनके पारिवारिक हालत जो किस तरह से दयनीय था, वो आज कितना सुदृढ़ हुआ है, पारिवारिक हालत, आर्थिक स्थिति कितना मजबूत हो रहा है, ये पूरे समाज को विकास करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे महात्मा गांधी जी जो सपना देखा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, इस संकल्प को लेकर आगे लोग बढ़ रहे हैं। आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन फैसले ले रहे हैं और इस नियम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि लोगों को जागरूक करने पर ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। इसमें कई ऐसे जीविका दीदियाँ हों या फिर अन्य भी जो लोग हैं वो इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर तक जाकर इस योजना के बारे में भी बता रहे हैं ताकि आए दिन बिहार में शराबबंदी जो है वो कानून जो है सफल बनाया जा सके। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।